अब ये जो रॉयल इनफील्ड हिमालयन है 450, इसका हमने बहुत सारे वीडियोस टाइप ऑफ वीडियोस देख लिए और मैंने बना के भी दिखा दिया आप सभी लोगों को, लेकिन आज ये है इसका फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू कि ओनर ने ये बाइक ली, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सुननी चाहिए लेने से पहले, और क्या इस बाइक में इतने पैसे डालने सही हैं और क्या ये उस पर्पज़ को फुलफिल कर रही है। तो मैं भाई बुलाना चाहता हूँ इसके ऑनर को। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोटरसाइकिल ले ली, बहुत खूबसूरत सी है, है ना? मतलब हैवी तो है ये बाइक, नो डाउट, और हाइट के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा ही है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी होगी 5'8" 5'9" 5'8" 5'9" बैठ के देखो एक बारी, कैसे लगते हो इसमें? टो लगते हैं या पैर लग रहे हैं? पूरे नहीं आते, बट अगर कोई पिलियन बैठा हुआ है तब आ जाएगा। इंजन का जो थ्रॉटल साउंड है ना, वो तो इसका बहुत ज़्यादा शार्प है। एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये इसका शार्प साउंड है। वैसे ये सिंगल सिलेंडर यूनिट टाइप्स, बट बीच बीच में जब ये बाइक मेरे पास थी, मेरे को ऐसा लगता था कि ना बीच में कुछ कटकट कटकट सी हो रही है ऐसे यहाँ पे ये। तो ये वाले जो साउंड है ये एडिट करते हैं अभी किसी यूजर को या नहीं? नहीं, मतलब ऐसे चलाते वक्त इतना पता नहीं चलता, बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है कि मतलब हाँ, तो उसको मे भी फील हो जाए, बट नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं कि वो इरिटेट करे। साउंड लगता कैसा है इसका? साउंड प्यारा है, मतलब बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, बहुत कम नहीं, क्योंकि साइलेंसर इसमें अगर आप देखोगे तो एग्जॉस्ट जो यूनिट है वो छोटी कर दी है पहले से, छोटी पतली कर दी है, स्लिम कर दी है। हाँ, मतलब अगर नॉर्मल वाली हिमालयन से भी कंपेयर करेंगे उसकी काफी बड़ी, इसकी छोटी कर दी है। बट साउंड की अगर बात करें तो साउंड इज डिसेंट इनफ। अच्छा, जो इसकी सीट है ये, अभी आपने इसको कितना देर तक ट्रैवल किया बैठ के? सो मैक्स अभी मैंने ये 3 से 4 दिन में अराउंड 500 किलोमीटर चला। 3 से 4 दिन 500 चला? अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस, ज्यादा चला दी है देख रेखा जाए 3 से 4 दिन में, और वो भी चलाइए यहीं पे। हाँ, विदिन सिटी, विदिन गुड़गांव ओनली। तो मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस, हाँ ऑफिस हो गया, शाम को इधर उधर घूम फिर लिया, तो अराउंड इतनी चली। तो ये सीट का क्या रिस्पांस है? मेरे को ये सीट थोड़ी सी मीडियम लेवल की लगी थी अपने टाइम में। सो कैसी सीट वही कहेंगे, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं इसका जब कंपैरिजन करता हूँ तो मैं जो पिछली वाली हिमालयन है, लास्ट हिमालयन, उससे अगर देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है। वो तो है, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, सॉफ्ट थी वो ज्यादा। हाँ, तो ये ओके ओके है, मतलब ठीक है। इसको अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड अभी मैंने नहीं करी है, बट अगर हम हाईवे पे लॉन्ग राइड करेंगे तब जाके मे बी इसका ज़्यादा पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा दर्द होता है। पिलियन को बिठाया अभी तक? हाँ, पिलियन को बैठाया है, बट कैसा है, कम्फर्ट है, क्या सीन है? कम्फर्ट मतलब फिर वही बात आएगी कि हिमालयन से कंपेयर करें तो सही है, उससे सही है। अच्छा, इसके ऊपर ये सीट के कोई कवर चढ़ा रखे हैं या फिर क्या? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल स्टॉक बाइक है, अभी स्टॉक बाइक है। वैसे जो इसके लोअर जो वेरिएंट है उनमें जो सीट आ रही है वो थोड़ी सी ज्यादा इससे अट्रैक्टिव है दिखने में। वो उसके अंदर स्टिचिंग की बात कर रहा हूं ना, उसमें ये हुई है स्टिचिंग हुई है, यहां पे भी स्टिचिंग हुई है, बट ये बट अगर एवरेज की बात करें तो अभी 19-20 एवरेज है, मतलब कंपनी ने क्लेम किया था ज़्यादा होगा, बट उतना एवरेज है नहीं। अगर इसमें एक एवरेज फ्यूल कंजम्पशन का भी ऑप्शन आता है, दिखा दो एक बारी। तो इन्होंने इस कंसोल में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि यूज़ किए हैं अभी, ट्रिप वगैरह यूज़ कर लिया है? सो फ्यूल रेंज सबसे जो मतलब मुझे बेस्ट लगता है फ्यूल रेंज, सो अभी ये 305 की दिखा रहा है, एंड जब मैंने 17 लीटर फुल कराया था तो 330-350 अराउंड दिखा रहा था। अच्छा, सो उसके हिसाब से मैंने एवरेज जो कैलकुलेट किया था वो 19-20 आ रहा था, 19 पॉइंट समथिंग। इसको फोन से कनेक्ट किया अभी तक? हाँ, फोन से किया कनेक्ट। तो मैप जो चलते हैं चला के देखिए। हाँ, चला के कैसा लगता है मैप? कंफर्टेबल तो है, क्योंकि मैं मतलब राइड पे गया था क्लासिक 350 पे, मेरा फोन। इसमें ना दो मोड है, इधर आओ, एक तो ये वाला मोड हो गया, ये वो जिसमें आरपीएम दिख रहा है, एक ये आरपीएम चलाएगा नीचे, यहाँ पे आएंगे मैप, और वो मैप का बड़ा वाला आता है वो जो सीन है ना, इसको ऐसे स्विच, ये मोड बटन है। हाँ, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अभी ये चेंज हो जाएगा। हाँ, ये हो गया, ये आ गया, ये रहा। तो यहाँ पे अभी जब मैप वगैरह हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नेविगेशन एंड सब चीजें यहाँ पे आती है, मतलब अभी कनेक्टेड नहीं है मेरा फोन, बट जैसे ही कनेक्ट करेंगे यहाँ पे मैप आएगा। मेरे हिसाब से इसका जो मैप है वो थोड़ा स्लो चलता है, मतलब अगर बंदा आप सिटी के अंदर चल रहे हो और ऐसे ऐसे करके वहाँ पे टर्न्स है
तो वहाँ पे क्या है कि टर्न आपका निकल जाएगा, फिर ये इसका जो एरो है वो वहाँ पे मुड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आई आपको भी? ये प्रॉब्लम आई, एंड सेकंड थिंग कि ये जो जैसे कार में क्या होता है कि कार में इनबिल्ट मैप्स होते हैं, तो ये इनबिल्ट मैप नहीं है, ये हमारा फोन को स्क्रीन कास्ट करता है, स्ट्रीम करेगा बेसिकली हाँ, इसको। तो उसमें क्या होता है आपकी फोन की बैटरी बहुत जाती है, तो अभी मैं विद इन सिटी चला रहा हूँ एंड मैंने ये चीज बहुत, मतलब मेरा फोन बिल्कुल बैटरी ड्रेन हो जाती है। मैंने भी 100% बैटरी पे लगाया था, 30 किलोमीटर चले, बैटरी 5% पर दिखाने लगा, लो बैटरी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, फिर लेकिन हमें समझ में आई कि यहाँ पे ये चार्जर क्यों दिया है, ये चार्जर दे रखा है, इसमें लगाओ टाइप सी केबल और रख लो अपनी पॉकेट में, बड़ी वाली केबल। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो फिर आपको परमानेंट अपना फोन चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, अगर आप मैप यूज कर रहे हो तो। अदरवाइज एक जो मुझे कॉन्स लगा ये इसका यही लगा कि बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन, यार वो रियल टाइम पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, बाइट्स बाय बाइट्स, वो जो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो चंक्स जो ट्रांसफर होते हैं उस चक्कर के अंदर हमारा नेटवर्क यूज करता होता है, और उस चक्कर में बैटरी ज्यादा चली जाती है। ये वाला चार्जर यूज किया अभी? तो ये मैंने GoPro के लिए किया, GoPro के लिए। और फोन जल्दी चार्ज हो रहा है इससे या नॉर्मल स्पीड है? फोन मैंने अभी ट्राई नहीं किया, GoPro ट्राई किया था एंड वो चार्ज हो गया था फिर। अच्छा एक बार इस पे बैठ के देखो, अब ये बताओ कि जैसे अगर 5'10" वाला बंदा है वो बैठ रहा है, तो उसका जो राइडिंग स्टांस है वो किस टाइप का आएगा? स्ट्रेटी आ रहा है यहाँ से, है ना, कोई कंधों के अंदर कोई प्रॉब्लम अभी तक, मतलब कुछ भी ऐसा वो नहीं, स्ट्रेन वगैरह नहीं, कोई रिस्ट में पेन है? इसके जो हैंडल का जो सेटअप है वो कैसा लगता है? ये थोड़ा सा अप होना चाहिए था, डाउन है अभी थोड़ा, हाँ क्योंकि जैसे राइज होना चाहिए, हाँ मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि मैं क्लासिक 350 यूज कर रहा था, बट उसमें मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार लगाया था, तो चॉपर बना रखी थी, हाँ तो वो थोड़ा अपवर्ड था, तो इस वजह से थोड़ा ये लगता है, बट मतलब उसको लोग लेके तो पता नहीं कहाँ चले गए, लद्दाख वदाख वो फ्लैट में चले, उससे एडवेंचर पे स्विच होने का क्या सीन है, जाना है कहीं घूमने? हाँ बस ये था कि अब एडवेंचर बाइक पे मुझे स्विच करना था, वो बाइक अभी मैंने सेल ऑफ नहीं करी, वो मेरे पास ही है, बट वो मेरा 2015 मॉडल था। अच्छा, तो वो काफी पुराना मॉडल था, वाला मॉडल था। हाँ, तो एंड उसमें ना एक प्रॉब्लम थी, वाइब्रेशन बहुत है, तो अभी जैसे डुअल चैनल ABS वगैरह सब कुछ इसमें इन बाइक्स में है, उसमें ABS वगैरह भी नहीं था क्योंकि 2015 मॉडल था, और BS4 BS3 मॉडल था वो, एंड उसमें वाइब्रेशन काफी ज्यादा थे। सस्पेंशन जो इसकी फ्रंट सस्पेंशन है शोवा की यूज कर रखी है, भाई मैंने जब यूज करी थी तो मक्खन थी, अब आप बताओ आप इतने दिनों से चला रहे हो? मैंने वही 5-6 दिन हो गए, एंड जितना 500 किलोमीटर अराउंड ड्राइव किया, तो सस्पेंशन जो छोटे मोटे जग्स तो बिल्कुल ही नहीं पता चलते हैं, छोटे मोटे नहीं पता चलते, बड़े मतलब हल्का फुल्का पता तो पता चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल, बट हाँ अगर इसके जो जिस प्राइस रेंज में आ रही है अगर उसकी बात करेंगे तो उस हिसाब से बेस्ट है। चलो ये गुड़गांव से लिया आपने, हरियाणा से लिए इंडिया में, ऑन रोड कितने की पड़ रही है? ऑन रोड ये जो एक शोरूम प्राइस है वो है अराउंड 2,84,000, एंड इंश्योरेंस इज अराउंड 24,000, एंड टैक्स 23,000, एंड 8,000 रुपीज की वारंटी, एंड 5 इयर्स वारंटी। 5 इयर्स वारंटी ले ली, चलो बढ़िया है कि लेनी चाहिए, 5 साल तो बंदा चलाते ही ना भाई, विद रोड साइड असिस्टेंस, तो अराउंड 3,42,000। 3,45,000 रुपए देने के बाद में क्या एक्सपेक्टेशन होती है यूजर की और क्या चीज बुरी लगी? सो मतलब अभी मुझे एफ एच बुरा तो कुछ नहीं लगा, मुझे बस एक दो चीजें जो इम्प्रूवमेंट की लगी कि जैसे क्या बताओ, जैसे कि इसमें मैप इनबिल्ट भी दे सकते थे, रियल टाइम वाला ना यूज करके इनबिल्ट भी हो सकता था जैसा कि कार वगैरह में होता है, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हमें यूज करना है तो वो हम यूज कर लें। अच्छा कभी ये लगा के देखा जैसे कार के अंदर एंड्रॉइड प्ले होता है, वो एप्पल कार प्ले और वो होता है एंड्रॉइड ऑटो, कि हम इससे वायर से चला सकें कि फोन चार्ज हो जाए? अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो बेस्ट रहता है ना, तो वो बहुत सारे लोगों को बचा लेगा, क्योंकि अभी अभी क्या है कि मैप दे भी दिया बट स्टिल हमको फोन माउंट लगाना पड़ेगा अगर हम लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो फोन माउंट जरूरी है। बाकी इस बाइक को लेने के बाद में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो सकता है ये? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं अपनी लाइक ट्रू फीलिंग बताऊं तो अभी जब मैं रोड पे लेके निकलता हूं, तो जब मैं अभी रोड पे लेके निकल रहा हूं ना इसको, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं लोग, मतलब
अरे कहाँ से लिया है गोल्डन ब्यूटी मतलब कॉम्प्लीमेंट काफी ज्यादा मिल रहे हैं और मतलब सब तारीफ कर रहे हैं क्योंकि सबने लाइक जो भी फोटो वीडियोस में जितनी दिख रही है उससे ज्यादा खूबसूरत है ये रियल लाइफ में। अरे वाह, यही तो सुनना चाहते थे। वैसे बाइक तो बहुत अच्छी है, कुछ पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट हर एक कंपनी छोड़ देती है, कुछ कुछ चीजें अभी तो वो बाय टाइम हो जाएंगी। एक्सेसरीज भी आ रही है बहुत अच्छी अच्छी, जैसे की ये जो रिम्स है ये भी ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूबलेस ये ट्यूब्ड वाले रिम इन्होंने दे दी है, बट अभी इनका एक नया वर्जन लॉन्च होगा जिसके अंदर ये ट्यूबलेस रिम आ जाएंगे, उसमें ये एज एन एक्सेसरी भी मिलने लग जाएगा। फिर एक ये वाला पोर्शन आ रहा है नीचे तक, तो वो बहुत अमेजिंग पार्ट है, रैली वर्जन जो वो आ रहा है ना वो एक्सेसरी जा रही है, ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, सिंगल सीट हो जाएगी ये यहाँ तक आ जाएगा नीचे तक, तो ये वाला हिस्सा जो दिखता है ये दिखेगा नहीं। ऐसी छोटी छोटी सी चीजें जैसे कि कोई नीचे की कोई बैश प्लेट भी है उसके अंदर, रेडिएटर गार्ड इंजन गार्ड, तो वो सारी चीजें अगर आ जाती हैं सही टाइम पे और सही पैसों पे आ जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 35,000 रुपए का दे दिया या 40,000 रुपए, कम पैसों के अंदर आ जाती हैं। और ये रिम भी, क्योंकि रिम का देखो मटेरियल तो सेम है, टेक्नोलॉजी वो होती है डिफरेंट, जैसे कि ये एल्युमिनियम टाइप ऑफ एक एलॉय का रिम है, ये जो है ये स्टील के जिसकी ये बना रखी है, इसमें क्या है कि सेंटर के अंदर जा रही है, उसमें क्या है कि ये यहाँ से निकलती है साइड से, तो साइड से जब निकलती है तो रिम हमारा हो गया बिल्कुल पंचर प्रूफ और ट्यूबलेस वाला हो जाता है जब हमारी पिंस साइड से निकल रही है तो, और वही होना चाहिए था वैसे, मैं तो कह रहा हूँ जब उन्होंने लॉन्च भी करी ना ट्यूबलेस ही तभी निकाल देना चाहिए, दे देने चाहिए थे उसी टाइम पे, ऑप्शन मिल जाता तो ज्यादा बेटर था। अभी क्या है कि अभी हमें अब पता नहीं ये लाइक एक्सचेंज का ऑप्शन देंगे कि नहीं देंगे, कि डायरेक्ट पैसे बढ़ जाते, 15,000-20,000 रुपए बढ़ जाते, बट एक बार में दे देते जब 3.5 लाख दे रहे हैं, जब 15,000 और दे के, बट एक टेंशन फ्री रहते हैं, जब कट रहा था तो पूरा कट जाता है और बंदा टेंशन फ्री रहता है, टेंशन फ्री में। अभी लेकिन इसका अगर पंचर हो जाएगा ना तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर अगला वाला हो जाता है तो चलो बंदे खोल लेते हैं, यहाँ से खोलना और इसको यहाँ से भी निकालना इस तरफ से थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर एक मैकेनिक नहीं कर पाता, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राइडर्स जो हैं जो ट्रैवल करते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। बाकी मेरे हिसाब से तो बाइक बहुत खूबसूरत है, आपको बताओ कैसी लगती है, नंबर देने तो 10 में से, मतलब मैं तो 10 में 10 ही दूंगा। अभी खरीदी है अभी कम लेने चाहिए नहीं, क्योंकि एक दो चीजें कम में छोड़ देती है, एक दो चीजें हैं बट वो इतनी मतलब काइंड ऑफ वो आप डिसीजन मेकर नहीं हो सकता कि वो पॉइंट्स आपके डिसीजन चेंज कर दें बाइक को लेकर। कितने टाइम में ये बुकिंग कराई और कितने टाइम में मिल गई? तो मैंने 7 नवंबर को फर्स्ट डे बुक करा दी थी एंड मुझे ये बाइक शोरूम में 20 दिसंबर को अवेलेबल थी मेरे लिए। अच्छा, मतलब जल्दी थी ना। हाँ। बाकी इसके अंदर वैसे वाला वेटिंग वाला सीन नहीं है, लेकिन अभी अगर आप अभी अगर आप वेट कराओगे तो 3 से 4 महीने का वेटिंग है, 3 से 4 महीने की वेटिंग है, उसके अंदर मूड भी चेंज होता है लोगों के। हाँ। लेकिन चाहो तो जल्दी भी मिल सकती है। चलो जी, आज का जो वीडियो था ये था इस प्यारी सी मोटरसाइकिल का जो हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और एक ऐसे ऑनर के साथ जिसने बताया कि एक्चुअल क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ऐसी और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर की कर दो बरसात यार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।